क्रिएटर इतने लोग आते हैं और इंडिया गेट पे टिकट लगता है कि नहीं? बिल्कुल सारे Hey guys, welcome again on my YouTube channel. और आज का जो ब्लॉग है बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉग है क्योंकि ये ब्लॉग है द लार्जेस्ट गेट ऑफ इंडिया, द इंडिया गेट। गाइस शाम में 6:06 हो रहे हैं, कितना सही 7 बज गया है। हाँ सॉरी, 6:06 होने के बाद 7 बज गया है। और ये जो इन्वायरमेंट है ये एकदम बिल्कुल अपने वो जो बड़ा वाला गेट है ना, उस गेट के नीचे सारे छोटे बच्चे आते हैं, उसी में हम सब आते हैं। फाइनली हम लोग आर्मेनिया पहुँचते हुए आर्मेनिया फेस्टिवल है, आर्मेनिया हम लोग पहुँचे पैसों कहीं डाले के। नदर से चल रहे थे फिर भी अपना डिस्टिनेशन इंडिया गेट नहीं आया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। लगभग मैं दिखा सकता हूँ कितना डिस्टेंस मैं कवर कर चुका हूँ, यहाँ से डिस्टेंस पूरा कवर कर लिया और आगे का डिस्टेंस बाकी है। और जो मेरे साथ मेरा दोस्त मिस्टर साहिद, उनका गांड फट चुकी है। और ये जो रोड जा रहा है, रोड पर कार जा रहे हैं, ये जो कार गए हैं ऐसे एक और रोड आएगा उसके बाद अपना इंडिया गेट आएगा, तो बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है। और मैं जैसे कि बता दूँ कि आप सोचेंगे कि इंडिया गेट विज़िट करने के लिए आपको टिकट वगैरह लगेगा, तो जी बिल्कुल नहीं, मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन से निकलो टिकट बिल्कुल नहीं लगता है वहाँ पे। और ये क्लियर रोड होता है, इसको क्रॉस होना करना होता है, देन यहाँ पे रेड सिग्नल है, ग्रीन सिग्नल, ये है स्क्रीन इंस्टॉल। और हमने सारे रोड को क्रॉस कर लिया। अब मर जाएगा? नहीं शायद, मुझे सारे रोड क्रॉस कर लिया साहेब। बताओ लोग इंडिया गेट कैसे खोजे? इंडिया गेट का जो मेट्रो स्टेशन होता है, सबसे नज़दीक वाला मेट्रो स्टेशन कौन सा है? सेंट्रल सीक्रेट। सीक्रेट सीक्रेट वही सीक्रेट सीक्रेट सब एक ही है, मतलब ऐसा कुछ मिलता जुलता अगर आपके कानों में। कौन सा भवन? उद्योग भवन। उपयोग? उद्योग। उद्योग पार लिया मतलब उधिया जाओ। उधिया जाओ, यस उद्योग भवन मतलब उधिया जाओ। ब्लॉग भाई माफ कर देना। अब खासियत क्या है इंडिया गेट? इंडिया गेट का रंग चेंज होते जा रहा है, लाल हो गया रंग, उसका चेंज होते जा रहा है। तो भाई खासियत क्या है इंडिया गेट का? इंडिया गेट के कि यहाँ पे जो भी फ्रीडम फाइटर थे, जो जब देश आज़ाद हो रहा था तो डेथ कर गए, शहीद हो गए, तो उनका नाम पूरा इंडिया गेट पे। और जो भी वो होते हैं सोल्जर होते हैं, आर्मी होते हैं, जो भी डेथ करते हैं उनका नाम इंडिया गेट पे होता है। और अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया 60% से ऊपर मुसलमानों का नाम है इंडिया गेट पे, तो आप विकीपीडिया कर सकते हैं विथाउट एनी हेजिटेशन के साथ और लिख सकते हैं नीचे जय हिंद जय भारत। गाइस बोला था ना एक और रोड क्रॉस करना है, तो वो रोड मेरे आंखों के सामने दिखा दूँ, ये जो अपना रोड होगा एक छोटा बच्चों के भाई कितने के दे रहे हो भाई? लाइट जलता है हा? लाइट जलता है इसका? हाँ जलता है भाव, दिखाना जा रहा था, दिखाना जा रहा। इसको बोलते क्या है वैसे अंकल? गाइज ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल होता है इंडिया गेट पे, और जितने पास जाएंगे और मतलब अच्छा देखने को मिलेगा। और देखो वहाँ पे आगे में अगल थोड़ा सा बचा है हाँ जी, हर नहीं खाएंगे पूरा खांसी है। दस का हिस्सा गाइज, ये ना ठंडा ठंडा भलाई कुल्फी, ठंडा ठंडा हम जा रहे खाए, खाओ यार भलाई कुल्फी, खाओ खाओ कोई बात नहीं खाओ यार। कैसा लगा शाहिद, टेस्ट कैसा है, रेटिंग दे? नाइस वेरी नाइस, वैसे नहीं बोलना चाहिए, एनसी बोलना चाहिए, एनसी बोलना नाइस होता है। नाइस इल पाउडर है लोग, गाइस जितने पास जाएंगे उतना क्राउड आएगा, खूबसूरती बढ़ते जाएगा उतना। हाँ इंडिया गेट का खूबसूरती बढ़ते जाएगा। और जो देश आज़ाद कराए वो बोलेंगे कि मैं क्यों आज़ाद कराया था। गाइस जैसे गाइस बोला था ना कि जितने पास जाओगे उतना इंस्ट्रूमेंट सेंड होता है। ये छोटे बच्चे खेल रहे हैं, एक यहाँ पे भी है देखना, और आगे भी एक है शायद, इसमें नहीं आ रहा बट आगे भी है। ए, पान खाएगा? मीठा अच्छा अंकल, मीठा पाने के फायर भी है, मीठा भी है। नहीं हम तो नहीं खाएंगे, मेरा गला खाओ, तुम खा लो, तुम खाओगे, तुम खाओगे, तुम खाएंगे, नहीं हमारा गला खराब।
तो अंकल बनाते का सर मीठा पान में, ये गोल गोल वाला क्या है? ये गोल वाला चेरी है, चेरी है। आगे चलेंगे यार, पूरा सेल हो जाएगा आपका, पूरा पान सेल हो जाएगा? इतना ही होगा? नहीं मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब जितना बाकी सारे एक नाइट में? लेकिन होगा एक बजे रात में। अब मतलब अंकल ये इंडिया गेट जो है ये कितने बजे तक ओपन रहता है? मतलब 10 बजे तक, और उसको खाली कराने के लिए 11 बजे? अच्छा अंदर में 11 बजे, तो इसको खाली कराया जाता है क्या कि आप लोग जाओ टाइम खत्म हो गया? अदरवाइज गाइज आगे बढ़ते हैं, बहुत 1 किलोमीटर दूर है अपना इंडिया गेट, वहाँ से जाना भी 8 बजे तक। क्या बोले? जाना भी 8 बजे? क्या बोले? उससे पहले घर भी जाना है 8 बजे। रिपीट अगेन, अरे साला गाइस द गोल्डन बॉय गाइस, ले लो फोटो ले लो, तुम ये मत भेजो। अरे तो हम तो हाथ तुम्हें लाके रहेंगे, पैसा भर साला। चलो पैसा भर, इसमें नहीं चेंज नहीं, ऑनलाइन नहीं नहीं कर दो, ऑनलाइन तो हम हाथ बना लेंगे सर। या आपका नाम? रुपेश कुमार। आप यहीं से हैं कहीं और से? मैं बिहार से हूँ, यहाँ पे रहता हूँ लगभग। हाँ तो आप ये अपने प्रोफेशन बना लिए? प्रोफेशन हाँ एक तरह से वो भी हो जाता प्रोफेशन, वीडियो में बनाता हूँ तो। हाँ तो आपके अकाउंट भी होंगे इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे नहीं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे ओरिजिनल फेस पे। अच्छा तो मतलब आप यूट्यूब पे क्या डालते हो, जैसे कि जैसे गोल्डन बॉय बन के या फिर क्रिएटर? तो उस पे तो शॉर्ट चलता होगा आपका? शॉर्ट नहीं चलता। और लॉन्ग में? लॉन्ग में नहीं बनाता। और कोई ना, वी विल मीट अगेन। ओ गोल्डन बॉय मिला भाई, वो तो पेरिस वाला हो, फीलिंग आ गया तो पेरिस वाला। कैसे खा रहा है? मैं क्या करूं, मैं कसम से बता रहा हूं, मैं ब्लॉग बना रहा हूं तो थोड़ा शॉर्ट्स बनाना होता है, मतलब शॉर्ट टाइप का बनाना होता है। मैं कंटिन्यूसली चल रहा हूँ पिछले 20 मिनट से, मैंने ऐसे 3 रोड को क्रॉस किया। आई विल जूम, देखो मैंने ऐसे 3 रोड को क्रॉस किया। और गाइस ब्लॉग जो है थोड़ा वो डार्क टाइप का है, बट यहाँ घूमने का मज़ा आपको रात में ही आने वाला है। आप ये मत सोचना कि दिन में आ जाए, दिन में काफ़ी धूप होता है, आप रात में आ सकते हो, काफ़ी अच्छा लगता है रात में, फैमिली के साथ भी लोग आते हैं। और मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम। गाइस 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 एक और रोड है, वो चौथा रोड होगा, तीसरा रोड हमने क्रॉस करके आया। और ये ब्लू जो लाइट था, और ये भाई फोटोग्राफर, फुल फोटोग्राफी करते हैं अंकल। एक बार और तो मजा आ गया। अच्छा अच्छा, ब्लॉग में आ सकते हैं। दिखाइए आप कितने साल से फोटोग्राफी करते हैं? कम से कम 100 साल तो हो गया होगा। हाँ 100 साल तो उम्र नहीं होगा भाई, 100 साल देश आजाद ना हुआ। अरे यार वही तो दिक्कत है, जब साल था तब तो आजाद नहीं हुआ, जब आ गया तो आजाद हो गया। आजाद हो गया भाई, कुछ डार्क बोल दिया आप, समझ में ना। तो गाइस फटाफट पहुँचेंगे पास में, और देखो क्राउड कैसे बढ़ रहा है। और ये देखो बाबू सोना जादू टोना, मेरे आंखों के सामने इंडिया गेट। इतना चलने के बाद, पैरों की प्राण निकलने के बाद, तो मैं दिखा दूँ, चलो उस पर चलते हैं। फिर से का एक रूल है, अगर जो लास्ट रोड आप क्रॉस कर रहे हो तो बाय द सबवे करना होता है। अब बाय द सबवे कैसे करोगे? सॉरी बाय द अंडरग्राउंड करना होता है। अब बाय द अंडरग्राउंड कैसे करोगे? ओए अंडरग्राउंड से चलेंगे? नहीं अंडरग्राउंड से चलेंगे। तो ये है गाइस बाय द अंडरग्राउंड, इसके अंदर जाओ फिर निकलो।
उस पर निकलोगे। होता है अंडरवे, मतलब अंडरग्राउंड से हो गया, हम उस पर निकलेंगे और उस पर निकलने के बाद हमें इंडिया गेट दिखाई दे। और आप सोचोगे कि ये ऐसे क्यों हुआ, हम तो इतने सारे रोड क्रॉस करके आए, बट यहाँ पे ऐसा क्या हुआ कि हमको नीचे से जाना पड़ रहा है। तो बात ये है कि ऊपर जो रोड है वो काफ़ी वो होता है, इंगेज होता है और काफ़ी ट्रैफिक रहता है। अरे उसमें नहीं है, चश्मा नहीं है, इसमें ना है भाई, इसके अंदर एक चश्मा है, उसको निकाल। तो गाइस इसके ऊपर एकदम, चलो ऊपर चलते, ऊपर जाके फोटो क्लिक करेंगे भाई, पैरा सूट लाइन। मैं एकदम सामने आ गया हूँ इंडिया गेट के, लगभग 1, 2, 3, 4 रोड को क्रॉस किया, 4 रोड को। कितने किलोमीटर पे एक रोड था, आधा आधा किलोमीटर पे, तो हर आधा किलोमीटर के बाद एक रोड आता था, उसको क्रॉस करके फिर आधा किलोमीटर को कवर करना होता था। तो टोटल 2 किलोमीटर पैदल चले हैं, टोटल 2 किलोमीटर पैदल चल के काले हो गए हैं कौआ जैसा, कैसे कौआ जैसा। बट इसका जो वो होता है ना फीडबैक आउटकम, जो कि बहुत अच्छा है, वो हम दिखाने वाले हैं अभी। पास में इंडिया गेट के आ गए हमारे दोस्त हैं, फोटो शूट। तो शायद गुस्सा नहीं था यहाँ पे, फोटो शूट दिख रहा था। और गाइस मैंने बताया था ना ब्लू वाली लाइट बहुत फेमस है यहाँ पे, सब सारे के हाथ में ब्लू ब्लू लाइट है और मेरे आंखों के ऊपर काला चश्मा तो मुझे नहीं दिख रहा, देखो देखो वो ब्लू लाइट। चलो इंडिया गेट के गली के ऊपर चढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे स्पेशली दिखाने वाला था कि इंडिया गेट का एनवायरनमेंट कैसा होता है, इंडिया गेट पे कितने लोग आते हैं और इंडिया गेट पे टिकट लगता है कि नहीं। बिल्कुल नहीं लगता है, फ्री मूव करो। खाने पीने वाले से भी मैंने बात कर ली इस ब्लॉग में, और मैंने कैमरामैन से भी बात किया था, फूडी से भी बात किया था, और जो पैरासूट लाइट था ये जो सेल कर रहा था उनसे भी बात किया था, काफ़ी मस्त। और ये पता ना अंकल का फोटो शूट चल रहा है, इंडिया गेट था पीछे पीछे, और ये इंडिया गेट के हम लोग मतलब इंडिया गेट का आगे चल रहे हैं, है ना, इंडिया गेट यहाँ पे, देन उसके आगे ये है। अब देखते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है, ये तो पैरासूट लाइट है, और यहाँ पे देखो डिबेट चल रहा है, बस न्यूज़ चल रहा है, पता नहीं क्या चल रहा है, पर जो भी चल रहा है बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है, दोनों पार्टी सीरियस। सर हम तो यहाँ पे 21 साल से रह रहे हैं, आप भले 50 साल से रह रहे हो, 70 साल हो गए, हालत पूछ लो। आज हमारे गांव में आओ, मैं गांव से आया हूँ इतना दूर, गांव में हमारे कितनी फैसिलिटी है। जब आप कहीं पे भी अपना इलाज करा के आओगे ना, तो आज तो नहीं है, 5 लाख का इलाज अब फ्री हुआ है, 2014 से पहले कहीं 5 लाख का फ्री नहीं था। अरे अभी चलो बिल बता देता हूँ, बिल बता देता हूँ, चौदह ऐसे ही देश बर्बाद है। चलो गाइस अपना एक्सप्लोरिंग ब्लॉग्स जो काफी सेक्सीस्ट था, और लाइट के मामले में भैंड चोद दी इन्होंने। गाइस ये तो रिपोर्टिंग कर रहा है, मेरे सामने चल रहा था, बट यहाँ पे लाइट बहुत अच्छा था, मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग का एंड यही करूँ, तो एंड नहीं करूँगा, आगे चलता हूँ, ब्लॉगिंग कंटिन्यू होगी। चलो लेट्स गो। कितने रुपए? 500। ओ ला ला, चुरा लो। अबे ओ ना, लो लो अब तो आ गए ना रे भाई, अब तो फरवरी बना देंगे, फरवरी जनवरी बनेगा, जनवरी ये लंड के बाल ही नकली दे रहा, लंड के बाल गाना सुन लेगा का। गाइस देखो क्राउड इतना ज्यादा है ना कि मुझे स्पेशली यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए कुछ नहीं मिला। एक मिनट गाइस, वीडियो जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है इसके साथ, मज़ा आता है हमें सबसे ज़्यादा, ये हमारा फेवरेट दोस्त है यार, आता तो दिले नहीं लगता है ना इसके बिना। गाइस क्या ना ये है कि आप इंडिया गेट आओ, और इंडिया गेट बहुत अच्छा जगह है, ये हिस्टोरिकल प्लेस में है, बट इसका जो एम्बिशन एंड इसका जो सिम्बलाइजेशन, मतलब जो बोलते हैं इंडिकेट किया जाता है, स्पेशली इंडिकेट किया जाता है
सोल्जर डेथ इन फ्रीडम, जो आजादी दिलाए उस पर डेथ कर गए, या फिर जो बॉर्डर पे डेथ हो जाते हैं उसके लिए। और ये एक तरीका का मतलब बहुत अच्छा जगह है, यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड ज़्यादा लोग आते हैं, कपल भी आते हैं, बट फैमिली का रेशो कुछ ज़्यादा होता है। आप यहाँ पे आओ, और आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब हो जाओ मेरे साथ ज्वाइन।